हाँ जी, टाइम टू टाइम हर कंट्री डिफरेंट डिफरेंट वीज़ाज़ के प्रोसेस नू लै के एक ट्रेंड क्रिएट करती रही है। जिवें कि ऑस्ट्रेलिया की जे गल करिए, बॉर्डरस खुलने तो बाद बहुत सारे विजिटर वीज़ाज़ या स्टूडेंट वीज़ाज़ ऑस्ट्रेलिया ने ग्रांट किए, बहुत सारी हायर रिस्क कंट्री तो भी, ईवन कि डिप्लोमा लैवल दे विच भी वीज़ाज़ ग्रांट हुए। अजकल का जो ट्रेंड आप देखिए कैनेडा या यूके नू लै के वर्क परमिट बहुत ही लार्ज स्केल पर स्किल्ड माइग्रेशन नू लै के चल रहा है। कैनेडा दे विच LMIA बेस्ड वर्क परमिट चल रहा है, तो जिहड़ा दैट लीड्स टू परमानेंट रेजिडेंसी। जे इंडिया तो या बहुत सारी होर हाई रिस्क कंट्रीज तो देखिए, यूके दे विच भी कॉस्ट दे बेसिस ते वर्क परमिट अप्लाई हुंदा है डिफरेंट डिफरेंट सैक्टर्स दे विच। ईवन के 5 साल तक का वर्क परमिट ग्रांट हो रहा है, जिहड़ा कि अगे जाके PR पाथवेज नू लीड करता है। सेम ट्रेंड के अकॉर्डिंगली ऑस्ट्रेलिया ने भी जिहड़ा कि 482 एक वर्क परमिट है, उन्हूं अगे 186 का पाथवे दे दिता। पहला बहुत सारी लिमिटेड ऑक्यूपेशन जिन्हों को 186 का पाथवे होंदा सी, हुण 482 की सारी ऑक्यूपेशन 2 साल काम करन तो बाद 186 का क्लीयर परमानेंट रेजिडेंसी का पाथवे है। ये बहुत सारी ऑक्यूपेशन जिवें पटिसरी या ईवन कि हेयर ड्रैसिंग जिही जी ऑक्यूपेशन है, इन्हों सारू परमानेंट रेजिडेंसी का पाथवे मिले। दिस सीम्स टू बी द फ्यूचर। वर्क परमिट ते तुसी ऑस्ट्रेलिया के फुल टाइम काम कर सकते हो। स्टूडेंट वीज़ा मंगर बहुत सारे पैसे या बहुत सारी फीसा थानू नहीं भरनिया पैंदियां यूनिवर्सिटीज़ नू। फुल टाइम काम करके फुल वर्क राइट्स दे नाल तुसी अपना लिविंग कॉस्ट या बाकी कॉस्ट भी कर सकते हो, एज लॉन्ग एज यू आर स्किल्ड ते थोड़े को बिजनेस इंप्लॉयर हैगा स्पॉन्सर करन लई। अगेन एज आई सेड, इट लीड्स टू अ परमानेंट पाथवे ऑफ 186, चाहे तुसी इंडिया दे विच हो, ऑस्ट्रेलिया दे विच हो या वर्ल्ड च कितें भी बैठे हो, एज लॉन्ग एज यू हैव वर्क इन और यू हैव एक्सपीरियंस इन योर रेलिवेंट फील्ड, तुसी थोड़े को इंप्लॉयर है, दिस इज़ प्रोबेबली द ईजीएस्ट पाथ टू गेट ऑन टू द पाथवे फॉर वीज़ा to Australia leads to permanent residency as well. इस वीजे बारे या अपनी एलिजिबिलिटी बारे तुसी होर जानना चाहते हो तो सानू अपॉइंटमेंट लैके मिलकर डिस्कस कर सकते हो। धन्यवाद।